अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग थ्योरम 12.1.3 करेंगे लेट्स स्टार्ट कहता है कि द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्क्रेट अच्छा राइट बाय सेक्टर किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है अब एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर लेती है टू इक्वल बाय पार्ट्स में बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर्स का मतलब होता है पार्ट्स ठीक है तो मुझे कहता है कि द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कि एक हमारे पास एक ट्राइंगल है ठीक है हमारे पास एक ट्राइंगल है, है और क्या कहने कि तो के उस ट्राइंगल की साइड्स है वो ठीक है तो हम इसका डायग्राम ड्रा करते हैं कि ये मेरे पास एक ये मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ बी एंड दिस इज सी नाउ क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास गिवन में ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है कि द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉन्क्रेंट तो हमें गिवन में सिर्फ एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम अपना गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन में सिर्फ दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी और सी ठीक है गिवन में मैंने सिर्फ ये लिखा कि क्योंकि ट्राइंगल है तो मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी एंड सी अब अब हम लोगों ने टू प्रूफ क्या करना है वो तो साफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने अगर ने टू प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ हम लोगों ने क्या करना है कि द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉन्क्रेंट हम एज इट इज़ यही लिखेंगे सिर्फ हम लोगों ने इस साइड की जगह क्या लिख लेना है हमारे पास साइड्स हैं ए बी बी सी और सी है अब इसको मैं लिखती हूँ कि टू प्रूफ है कि द Right bisectors. sectors, the right by sectors of AB, BC, and सी ए अब एक और चीज़ ये चूंकि लाइंस है ठीक है जब भी आप रिमेंबर करें ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी हमारे पास लाइंस दी हों तो ये ए बी है तो उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे बी सी है तो लाइन लगा देंगे सी है तो लाइन लगा देंगे तो राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट ये मुझे दिया हुआ है कि ये जो है वो कॉन्करेंट है ठीक हो गया अब ये तो मैंने कह दिया अब सवाल पैदा होता है कि अब ये राइट बाय सेक्टर हम लोगों ने इस ट्राइंगल के अंदर कैसे ड्रा करना है मैंने आपको ये बता दिया कि जब एक चीज़ एक तो उस पर पेंडिकुलर हो ठीक है और प्लस वो एक चीज़ इंटरसेक्ट हो रही हो अब अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने अपनी एक कॉन्स्ट्रक्शन uh, लिखनी है ठीक है कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूँ मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूँगी कि हम लोगों ने सबसे पहले इस ए बी में से एक पॉइंट हम लोग ले लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पॉइंट ले लेते हैं एनी पॉइंट ठीक है लेकिन हम पॉइंट uh, मिडिल में होना चाहिए ठीक है अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा करके यहाँ पर रुक जाती हूँ यहाँ से ठीक है अब मैं सेम एक बी में से भी मैं एक लेती हूँ जो कि मैं इसको यहाँ से यहाँ से कर लेती हूँ और ये जो मेरे पास ये जो दो लाइन बाई इस पॉइंट पे जो मीट हुए इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये हमारे पास पॉइंट ओ है ठीक है अब मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने कहा है कि ड्रॉ द लाइन बाय सेक्टर्स या क्योंकि हमें कहा है राइट बाय सेक्टर्स तो आप राइट बाय सेक्टर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ड्रॉ द लाइन बाय सेक्टर्स ऑफ किसके कि आपने ए बी का एक आपने राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करना ए बी का ड्रॉ द राइट बाई बी लाइन ए बी ठीक है ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है ड्रॉ द लाइट ऑफ ए बी एंड बी सी अभी देखिए ना बी सी में से ड्रॉ किया हुआ है ड्रॉ द लाइट बाई ए बी एंड बी सी जो के अब आप ये देखेंगे ए बी का लाइन बाय सेक्टर बी सी का ये मीट ओन एक पॉइंट ओ पे तो क्या लिखेंगे कि विच मीट ईच अदर किधर मीट करें विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ ठीक हो गया यहाँ तक मैंने ये कर लिया अब अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास पॉइंट ओ oh आ गया अब इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी बी से क्योंकि अब आपको मैं रीज़न बताती हूँ कि पहले मैंने इसको सी से ज्वाइन किया और फिर मैं इसको यूँ करके इधर से जॉइन कर लेती हूँ ठीक है अब आपको बताती हूँ क्यों क्योंकि ये जो ओ है ये इक्वल डिस्टेंट है अपने एंड पॉइंट से अगर हम ए बी की बात करें ये थोड़ा सा ख़राब बन गया सॉरी अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ये मैंने ए बी का एक आ, राइट बाई सेक्टर ड्रा किया ठीक है थीके? और ये मैंने बी सी का ड्रा किया तो ये एक ओ पॉइंट पर मीट हो गया अगर अब आप, आप देखें कि अगर मैं ओ को देखो और मैं ए बी को कंसिडर करूँ तो अगर इस ओ को देखें तो इसके इक्वल डिस्टेंस है ए से और बी से तो इसका मतलब यह है कि हम अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ओ इसका मतलब यह है कि इक्वल डिस्टेंस है इसलिए मैं इसको कह रही हूँ अब अब ये देखेंगे ड्रॉ द लाइन ब सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी विच मीट इच अदर एट पॉइंट ओ अब मैंने क्या कहना है कि जॉइन जॉइन अब चूंकि इसका इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस है सो जॉइन ओ टू इसको थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी ठीक है यहां तक मैंने कह दिया कि ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ ठीक है अच्छा अब स्टेटमेंट्स के रिजन की तरफ आते हैं अब आपको पता होगा जब भी हमारे पास एक थ्योरम आता है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ट्रायंगल आता है ये और मेरे पास एक और ट्रायंगल आता है तो फिर मैं इस ट्रायंगल को उसके साथ कंपेयर करूंगी ठीक है हम लोगों के पास अक्सर या अगर मेरे पास इस तरह का एक ट्राइंगल आता है मैं सिर्फ बाई सेक्टर ड्रा किया आपने अपना थियोरम ट्वेल्व पॉइंट वन देखा होगा वन पॉइंट वन उसमें हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स को कंपेयर किया था इसमें भी हमारे पास एक ही ट्राइंगल है तो इसमें हम किसी चीज़ के कॉरस्पॉन्डेंस नहीं ले सकते ठीक है अब फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको क्या कहा था कि ए बी का बाई सेक्टर है ओ अब अगर आप देखें ओ का ओ का इक्वल डिस्टेंस है ओ इक्वल डिस्टेंट है ए से भी और ओ इक्वल डिस्टेंट है बी से भी तो मैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखूँगी कि जो लाइन ओ ए है वो कॉन्क्रेंट है लाइन ओ बी से अब अब मैं इसका रीज़न क्या लिखूंगी मैं इसका रीज़न क्या लिखूँगी कि एनी पॉइंट के एनी बल्कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट के ईच पॉइंट ऑन अब देखें कि ये ईच पॉइंट ये मैंने एक बी सी से मैंने इसका लिया तो ये मेरे पास इस पॉइंट ओ पे इसका और इसका ये मेरे पास मीट हो गया तो इसका रीजन क्या होगा कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर किसका राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट फ्राम इट्स इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट तो पहला मेरे पास ये आ गया मैं क्या लिखूंगी कि ईच पॉइंट

और ये मेरे पास ए और बी ए मेरे पास बी है तो इस ओके एंड पॉइंट से ये ए और बी है इसी तरह मैं कह रही हूं तभी तो मैंने इनको इनसे ज्वाइन कर लिया तो ईच पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वे डिस्टेंट मैं आपको फिर बता रही हूं इक्वे डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट इज इक्वे डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स ठीक हो गया एंड पॉइंट्स तो अपनी इस इक्वेशन को मैं कह लेती हूँ कि ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर वन ओके okay. अब 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 ये देखें कि जब मैंने ए बी को कंसिडर करके कहा कि जो मेरे पास ओ है उसका इक्वल डिस्टेंस है ए के साथ और बी के साथ अब अगर मैं बी सी को कंसिडर करूं तो फिर इस साथ मैं ये भी कह सकती हूं कि ओ बी इस कॉन्ग्रेंट टू बी सी जैसे मैंने ए बी को कंसिडर करके कहा कि जो ओ ए है वो कॉन्ग्रेंट है ओ बी के साथ इसी तरह मैं बी सी को कंसिडर करके कह सकती हूँ कि ओ बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू बी सी ठीक है तो यहाँ पर अब मैं एक कोट लिखूँगी कि ओ बी लाइन ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ओ ओ ओ बिज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ठीक है आप आपको फिर से कह रही हूँ कि आपने लाइन जरूर लगानी है ताकि एग्जामिनर जो आपका चेक कर उसको पता चले कि ये हम लोग रिप्रेजेंट रहे हैं कि हम लोग ने एक लाइन दी है अब इसका क्या लेंगे हम लिखेंगे एज़ इन वन क्योंकि इसका भी वही रीज़न है जो मैंने इसका रीज़न दिया ठीक है अब अब आप एक चीज़ देखें मैंने कहा ए मैंने ए बी को कंसिडर करके कहा कि ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ बी के साथ और बी सी को कंसिडर करके कहा कि ओ बी कॉन्ग्रेंट ए सी के साथ अब ये देखें जब मैं इन दोनों कह रही हूँ दोनों में चीज़ ये बी ओ बी और ओ बी अब जब मैं कह रही हूँ कि ओ बी ओ बी देखें अब ओ बी इसमें भी है और ओ बी इसमें भी है अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ओ ए है वो कॉन्ग्रेंट ओ सी के साथ कि ये ओ ए देखें हम लोगों ने इसका भी बाई सेक्टर ड्रॉ किया हुआ इसका भी हम लोगों ने प्रूफ क्या करनी है कि जो ए सी है हम लोगों ने इस लाइन को हम लोग ने प्रूफ करना है ठीक है अब ये भी इसके एंड पॉइंट्स हैं अब मैं इसमें क्या लिखूंगी जब मैं कह रही हूँ कि ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ बी और ओ भी कॉन्ग्रेंट ओ सी के साथ तो मैं इसमें ये लिख दूँगी कि जो मेरे पास ओ ए है ओ ए है वो कॉन्ग्रेंट है किसके साथ ओ सी अच्छा ये कॉन्ग्रेंट नहीं है ये कॉन्क्रेंट है कॉन्ेंट क्या होता है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिस पे मीट कह रहे हो हमारे बाइसेक्टर्स तो so, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं तो मैंने क्या कह दिया कि ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ओ सी ठीक है और इसका मैं रीज़न क्या कहूँगी कि इस इक्वेशन नंबर वन और इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास अगर इक्वेशन नंबर टू है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कह दिया कि अगर ओ एक ओ बी के कॉन्ग्रेंट और ओ बी ओ सी के कॉन्क्रेंट है फिर मैं कह सकती हूँ कि ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट है तो इसमें मैं लिख दूंगी कि फ्राम Equation one and two. ठीक हो गया अब आप ये देखें कि मैंने क्या कहा है कि ओ ए जो है वो कॉन्वेंट ओ सी के साथ हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि इसका बाइसेटर जो है इसका कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर मैं इसको एक ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो हम लोगों ने यहाँ का बाइसेकटर प्रूफ करना है कि यहाँ पर भी एक बाई है ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी है ठीक है अब इसको मैं लिखती हूँ अब मैं क्या लिखूँगी मैं इसमें ये बात लिखूँगी कि पॉइंट ओ इज़ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए सी अब मैंने आपको क्या कहा था राइट बाई सेक्टर क्या होती है जो एक चीज़ परपेंडिकुलर भी देखें ना फॉर एक्जाम्पल ए बी को ले लेते हैं तो ये यूं करके अगर मैं इसको यूं करके यूं करूं तो मैं क्या कह सकती हूं कि परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की इलाइको हम यूं करके रिप्रेजेंट करते हैं तो परपेंडिकुलर यहां भी एक 90 का एंगल बन रहा है यहां भी एक 90 का एंगल बन रहा है सिमिलरली बी सी का कह लें बी सी का बी सी पे परपेंडिकुलर अब हमने ये प्रूफ करना है तो मैं क्या लिखूंगी कि पॉइंट ओ जो कि है इज द पॉइंट ओ राइट बाई सेक्टर है राइट बाय सेक्टर है किसका ए की पॉइंट ओ इज द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए सी ठीक है फिर अब पॉइंट ओ सिर्फ ए सी का राइट बाई सेक्टर ही तो नहीं है पॉइंट ओ ए बी और ए सी बी सी का भी राइट बाई सेक्टर है फिर मैं क्या कहूंगी कि बट

ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी सी हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करके के के पॉइंट ओ इज़ ऑल्सो द राइट बाई सेक्टर किसका ए बी और बी सी अब हम अगर एक चीज़ देखें तो मैंने अपने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था कि ड्रॉ द लाइन बाय सेक्टर ए बी एंड बी सी राइट और मैंने इसमें क्या कहा है कि पॉइंट इज़ ऑल्सो द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी तो इसका रीज़न मैं यहाँ पर दे दूंगी कंस्ट्रक्शन कि ये बात हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में भी सिमिलरली कही थी ठीक है अब इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि पॉइंट ओ इज़ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी सॉरी इसमें मैं क्या कह रही हूँ कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर है ए सी का तो इस क्वेजन को मैं कह देती हूँ ये मेरे पास इक्वेजन नंबर ये मेरे पास थ्री इक्वेजन आ जाती है ठीक है और इस क्वेजन को मैं कह देती हूँ मेरे पास इक्वेजन नंबर फोर आ जाती है ठीक है अब आप ये देखेंगे पॉइंट ओ इज़ द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए सी मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों को समझ आए पॉइंट ओ राइट बाई सेक्टर है ए सी right का क्या मतलब कि पॉइंट ओ का इक्वल डिस्टेंट है ओ या और ए सी तो हम इसका क्या रीज़न देखे लिख लेंगे कि ओ इज़ इक्वे डिस्टेंट किसका डिस्टेंस है इक्वे डिस्टेंट किससे फ्राम ओ इज इक्वे डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी अब आप ये देखें कि हम नॉर्मली जब थ्यूरम्स करते हैं तो या तो उसमें हमें आ, दो साइड्स या एक एंगल प्रूफ कर लेना होता है या तो हमें उसमें दो एंगल और एक साइड प्रूफ करनी होती है इसमें हम लोगों ने किसी चीज़ की कॉन्ग्रेंसी नहीं दी तो ना वो कर सकें लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें वन टू और थ्री मैंने ये थ्री साइड्स प्रूफ कर ली हैं तो उसमें मैं क्या कहूंगी मैं अब इसमें ये लिखूंगी कि हैंड्स प्रूफ कि मैंने अब इसको प्रूफ कर लिया है के, right sectors, कि राइट बाई सेक्टर्स किसके राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट कॉन्करेंट क्या होता है जिसपे वो मीट हो रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी एड एंड में हैंड्स प्रूफ दैट ए बी बी सी और सी ए आर हैंस प्रूफ दैट राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कौन कर तो ये चीज़ हमने उन्होंने प्रूफ कर ली आई होप आपको समझ आया थैंक यू बच्चों मीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाफिज़